मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से YouTube क्या करता है कि आपके चैनल को प्रमोट नहीं करता। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। YouTube में SEO करने से कोई फायदा होता है या नहीं होता, अब मैं आपको तीन चीजें बताने जा रहा हूँ कि आपका 1000 सब्सक्राइबर का गोल अचीव हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। बोल तो ऐसे रहा है जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स एक महीने में कंप्लीट किया। क्या कहा? मजाक कर रहा था जानी, मजाक कर रहा था। एक यूट्यूबर जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो उसके जहन में जो सबसे पहली बात यह होती है कि उसे अपने 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव किस तरह करना है, जो कि एक नए यूट्यूबर के लिए आसान बात नहीं होती। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, अगर आपने वो फॉलो कर ली तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 1000 सब्सक्राइबर का गोल अचीव ना हो सके। ओके, तो जब हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, अभी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई होती है और उसके बाद हम YouTube पर सर्च करना शुरू हो जाते हैं दैट हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। और ये सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं कुछ लिख के आया हूँ ताकि मैं कोई चीज मिस ना कर दूं। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। नंबर वन, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने वाली ऐप मिल गई, भाई एप्लीकेशन मिल गई है। अब इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। आगे आते हैं, दो खुफिया सेटिंग्स करो और चैनल वायरल। खुफिया सेटिंग्स हैं और वो खुफिया ही रहेंगे। ये ट्रिक लगाकर सोया और 1000 सब्सक्राइबर्स मिल गए। इस बंदे को ट्रिक्स का पता है तो ये ट्रिक्स लगाते हैं और इसे 1000 सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। हमें नहीं पता वो ट्रिक्स क्या है क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक्स है ही नहीं। एक क्लिक 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000, 2000, 3000, 4000, 10 क्लिक 10,000 सब्सक्राइबर्स। व्यूज बढ़ाने का खुफिया रास्ता मिल गया। यार ये खुफिया रास्ते कौन से मुझे भी बता दो। खुशखबरी, 1000 सब्सक्राइबर्स फ्री में पाए। आगे ये तो सबसे बेस्ट है, इंस्टॉल 1000 सब्सक्राइबर्स। एक बात बताऊं, ये सब बेकार है। इनमें से कोई भी टिप्स ट्रिक्स ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई चीज आपके काम नहीं आने वाली। तो इन चीजों पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। तो होता यह है कि नए यूट्यूबर इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं जो कि बिल्कुल बेकार हैं, और उसके बाद उन्हें होती है डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि चैनल ग्रो करता ही नहीं है। और फिर वो जो दूसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उस डिसअपॉइंटमेंट में वो सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम बाय कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। यूट्यूब ये देखता है कि आपके सब्सक्राइबर्स इतने बड़े हुए हैं और व्यूज आपके आ रहे हैं 30 व्यूज 40 व्यूज, तो इस वजह से YouTube क्या करता है कि आपके चैनल को प्रमोट नहीं करता। तो इससे आपके चैनल की ग्रोथ मजीद रुक जाती है। तो ये बाय करने वाली गलती जो है बिल्कुल नहीं करनी आपने। ये सब बातें हो गई कि क्या चीजें आपने नहीं करनी। अब आते हैं हम इस तरफ कि क्या हमें करना चाहिए। तो आपने चैनल बना लिया, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, कॉन्टेंट भी बहुत जबरदस्त बना रहे हैं, लेकिन चैनल पर व्यूज ही नहीं आ रहे क्योंकि सब्सक्राइबर्स ही नहीं है आपके चैनल पर। अब आपने ये करना है, अब आपने करनी है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए क्या है, आपको अपनी ईगो को एक साइड पे रखना है। ईगो क्या है? ईगो ये है कि मैं किसी को क्यों कहूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने अपने कजन्स को, दोस्तों को, कोलीग्स को, सबको अपने चैनल के बारे में बताना है और उन्हें कहना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी दोस्तों से शेयर करें। तो स्टार्टिंग में 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। आपको सबको बताना पड़ता है और उनसे सब्सक्राइब कराना पड़ता है। सबको आपने अपने चैनल का लिंक सेंड करना है और उन्हें कहना है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन
उसके साथ ही आपने एक चीज का ख्याल रखना है और वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो किस तरह ख्याल रखना है कि आपने किसी को भी अपने चैनल के बारे में बताना है और सब्सक्राइब करने का कहना है तो सिर्फ एक दफा कहना है, दूसरी दफा आपने किसी को नहीं कहना, क्योंकि जिसने सब्सक्राइब करना होगा वो पहले दफा पर ही कर देगा और जिसने नहीं करना वो 10 दफा कहने पर भी नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ एक दफा कहना है, दूसरी दफा भी आपने किसी को नहीं कहना। तो ये आपकी एक स्ट्रगल है जो कि 1000 सब्सक्राइबर तक आपकी चलेगी। एक और चीज जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या यूट्यूब में SEO करने से कोई फायदा होता है या नहीं होता। देखिए, यूट्यूब पर SEO करने का फायदा तब होता है जब आपका कंटेंट अगर इस तरह का है, फॉर एग्जांपल हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो अगर तो आप इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं तो ये काफी लोग सर्च करते हैं, तो इस तरह की वीडियोस की SEO करने का फायदा होता है। अदरवाइज नॉर्मल जैसे मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस बना रहा हूँ इस तरह का कोई कंटेंट है तो इसमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। तो अगर आप कर लेते हैं SEO तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि SEO करने के बावजूद भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो लास्ट में अब मैं आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूँ, अगर ये 3 चीजें आप फॉलो कर लेते हैं जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका 1000 सब्सक्राइबर का गोल अचीव हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो है वो है हार्ड वर्क, मेहनत। क्योंकि आपने कुछ भी अचीव करना है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, तो आपने जो अपना फोकस रखना है वो अपने कंटेंट पर रखना है, कंटेंट की क्वालिटी पर रखना है। सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, वो आ जाएंगे। नंबर 2 है कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपने डे डिसाइड कर लेना है, टाइम डिसाइड कर लेना है, उस पर वीडियो जो है वो आनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूट्यूब में। और नंबर 3 जो है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, वो है पेशेंस, सब्र। आप इतनी मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, आकर वीडियोस एडिट कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन आपको कोई आउटपुट नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अब आपने करना है सब्र। अगर पेशेंस होगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप डिसअपॉइंट होंगे और बैकआउट कर जाएंगे। तो ये थी कुछ चीजें जो मैंने सोचा था कि आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि इन्हीं पर अमल करके मैं भी अपने 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव कर पाया हूँ। जो ये टिप्स और ट्रिक्स वाली चीजें, इन पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकस रखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके भी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थी कुछ चीजें जो मैंने आज आपसे शेयर करनी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।